हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो होमियोस्टेसिस है उस वर्ड का मतलब क्या है। होमियोस्टेसिस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट ऑफ स्टेडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस मेंटेन बाय लिविंग सिस्टम। कहने का मतलब हुआ कि एक हमारी बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा स्टेट जिसमें उसकी बॉडी चाहती है कि उसके फिजिकल और केमिकल जो कंडीशंस हैं वो मेंटेन रहे, मतलब एज इट इज रहे, वो डिस्टर्ब ना हो, यानी कि कोई भी डिस्टरबेंस हो तो बॉडी उसे नॉर्मल पे ले आए। दैट मीन्स कि रिज्यूम टू द नॉर्मल कंडीशन, आप ऐसे समझ सकते हैं होमियोस्टेसिस है। इन अदर वर्ड्स में अगर कहूँ, जैसे कि बैलेंस होता है तराजू, उस पर चीजें बैलेंस करते हैं, अगर एक तरफ कम है तो दूसरी तरफ उसको उस जहाँ कम है वहां पे थोड़ा वेट रख के उसको उसके बराबर किया जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी में कुछ कम या ज्यादा हो गया है, रेंज में नहीं है, तो वो उसको रेंज में लाने की उन चीजों को कोशिश करती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, होम्योस्टेसिस कहेंगे। नेक्स्ट आता है कि इसको हम होम्योस्टेसिस को एक तरह से हम यानी कि कंडीशंस ऑफ ऑप्टिमम फंक्शनिंग भी ले सकते हैं, कि हमारी बॉडी एक बहुत ही ऑप्टिमम यूजुअल कंडीशंस में काम करे, तो वो कंडीशंस को हम होम्योस्टेसिस कह सकते हैं। बिकॉज अपना जो टॉपिक है आज हम करने वाले हैं वो ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी क्या सिचुएशंस अराइज होती हैं हमारी बॉडी में कि जब जो ग्लूकोज है वो ज्यादा भी ना रहे ब्लड में और कम भी ना रहे, और ये सब जो कंट्रोल होता है, जो हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, उसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो सबसे पहले तो आओ ये जान लेते हैं हम कि भाई ग्लूकोज आखिर है क्या, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे ग्लूकोज क्या है, वो कैसे काम करता है, ये सब आपका पूरा लेक्चर बेकार जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हम ये करें अगर कि ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज बेसिकली आपका एक मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है आपका एक मोनोसेक्राइड, मतलब शुगर है, और वो आपकी बॉडी में करवाता क्या है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, हर सेल में होता है, और हर सेल क्या जनरेट करती है, उससे एटीपी एनर्जी बनाती है। अब होम्योस्टेसिस जानने के लिए, क्योंकि हमने कहा कि क्या है वो, नॉर्मल कंडीशंस हैं, तो नॉर्मल कंडीशंस को जानने के लिए भाई हमें अब ये जानना भी तो जरूरी है कि रेंज क्या है, कि नॉर्मल किसे कह रहे हैं हम। तो यहां पे मैंने कुछ आपको वैल्यूज लिखी हुई हैं। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, मतलब अगर खाना खाया है किसी ने और उसके 8 घंटे बाद अगर उसके ब्लड में ग्लूकोज को काउंट किया जाए तो 72 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर का मतलब 100 ml भी कह सकते हैं हम। तो 72 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वो होना चाहिए फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। इसी को ही हम FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर भी कह देते हैं। यानी कि 70 से कम होगा या 110 से ज्यादा होगा तो हमारी जो बॉडी है वो क्या कोशिश करेगी कि उसे इस रेंज में लाए, और इसको कोशिश जो करेगी उसी प्रोसेस को हम कहेंगे होमियोस्टेसिस। देन RPG, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज। रैंडम मतलब आपने इरेस्पेक्टिव ऑफ मील, आपने देखा होगा कि जब आपको ब्लड चेक कराना होता है ब्लड शुगर, तो डॉक्टर आपको कहता है कि मैं आपका सैंपल लेने आऊंगा, तो आप मैडम कुछ खाइएगा मत 8 घंटे रात को, तो आपको खाली पेट आपका सैंपल लेना है ब्लड का। क्यों कहता है, क्योंकि उसको आपका FPG देखना होता है। एक होता है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ मील, आप खाना खाओ नहीं खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने खाना खा लिया है उसके 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद या जब भी आपकी ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल देखा जाएगा तो वो आपका 140 से कम ही आना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका PPBS, प्रैंडियल प्लाज्मा ब्लड शुगर, ये आपका 110 से 140, दैट मीन्स कि आपने खाना खाने के 2 घंटे से 8 घंटे के बीच में जो आपकी वैल्यू है आपकी, ये आपकी PPBS है। तो ये हो गए आपके होम्योस्टेसिस। अगर ये वैल्यूज जरा सी भी इधर उधर होंगी तो हमारी बॉडी जिस तरह से रिएक्ट करेगी, रेस्पॉन्ड करेगी और जो काम करेगी वो सब होम्योस्टेसिस
को लाने का ही एक उसका बॉडी का एक तरीका होगा, उसकी एक प्रयास होगा उसका, ठीक है। अब हम कुछ चीजें और मैं आपको बता देती हूँ ग्लूकोज से रिलेटेड, कि हमारा जो ब्रेन है सीएफसी यानी कि आपका सेरिब्रो फ्लूइड, तो जो आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है सीएसएफ, वहां पे ग्लूकोज का लेवल आपका 60 to 90 मिलीग्राम रहना चाहिए आपका। देन यूरिन में ग्लूकोज नहीं लाना चाहिए। डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर ब्लड ग्लूकोज आपका रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब है रीनल वर्ड जहां आ जाए, मैं बार बार अपने बच्चों को एक ही समझाती हूँ, किडनी होता है, किडनी की मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वर्ड का मतलब होता है कि लिमिट, कि भाई अब चीजें ऊपर से जा रही है, अब लिमिट हो गई, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। कभी कभी आप भी कहते होंगे ना मैडम आप ज्यादा मत पढ़ाओ, आप सर के ऊपर से जा रहा है, दैट मीन्स कि किडनी के सर के ऊपर से जाने लगे, तो वो वैल्यू है 160 to 180। किडनी 180 से ज्यादा जो ग्लूकोज है प्लाज्मा में उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, तो दैट मीन्स कि तो वो क्या होगा कि आप यूरिन में ब्लड ग्लूकोज आने लगेगा, तो उस कंडीशन को कहेंगे ग्लाइकोसूरिया। डायबिटीज मेलिटस का मतलब है कि जो FBS है फास्टिंग ब्लड शुगर है, वो अगर देखा जाए तो वो 70 to 110 होना चाहिए। अगर वो 126 mg/dL आ रही है या इससे ज्यादा आ रही है, दैट मीन्स कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा है, जिसे हम डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन कहेंगे। क्रिटिकल हाइपोग्लाइसिमिक होने का मतलब है, हाइपो मतलब बिल्कुल कम, लेस, तो क्रिटिकल हाइपोग्लाइसिमिक का मतलब है कि अगर हमारे ब्लड के प्लाज्मा में जो ग्लूकोज है उसका लेवल 45 से कम हो जाता है, तो क्रिटिकल मतलब बहुत सोचने वाली कंडीशन, बहुत सीवियर कंडीशन, हाइपोग्लाइसिमिक हो जाती है बॉडी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको ब्लड ग्लूकोज होमियोस्टेसिस पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है, जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से आपका जो ब्लड प्लाज्मा, अच्छा हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि प्लाज्मा में ही आपका ग्लूकोज, क्योंकि जो ग्लूकोज है ना, देखिए ब्लड के है ना लिक्विड सॉलिड, ये सभी को पता है ब्लड के कितने पार्ट हैं, लिक्विड एंड सॉलिड, और जो लिक्विड पार्ट है वो उसका प्लाज्मा है, राइट। और जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा ही ग्लूकोज को डिजोल्व करके लेके जाता है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ब्लड में ग्लूकोज को मेजर करने का मतलब है कि आप प्लाज्मा में ग्लूकोज आपको मिलेगा कहाँ, ब्लड में ग्लूकोज प्लाज्मा में ही मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए आ जाओ अब यहाँ पर हम चालू करते हैं कि देखो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो किन किन तरीके से आ सकता है। तो जो बॉडी में ग्लूकोज है वो आपका तीन तरीके से हमारी बॉडी जो ग्लूकोज है वो डेराइव कर सकती है। पहला है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, मतलब हम जो खाना खाते हैं ना डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद वो ब्रेक डाउन होगा और विलाई जो है वो उसे एब्जॉर्ब करेंगी फूड को, तो जो ग्लूकोज जब एब्जॉर्ब होगा तो वो ब्लड में जाएगा प्लाज्मा में, तो ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन हो गया। सेकेंड क्या हुआ, ग्लाइकोजिनोलिसिस, मतलब ये लिवर और किडनी में प्रोसेस होता है, मतलब जो ग्लाइकोजन है ना एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन की फॉर्म में बना के रखती है, स्टोर करके रखती है। जैसे जैसे जब ज्यादा पैसा हो जाता है ना किसी के पास, तो वो शेयर्स में लगा देता है, वो स्टॉक मार्केट में, वो FD करवा देता है, तो ऐसे ही हमारे ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, ज्यादा शुगर खाते हैं, तो हमारी बॉडी उसकी FD कर लेती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो वही ग्लाइकोजन जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो वो ब्रेक डाउन होता है, टूटने लगता है, और लिसिस वर्ड का मतलब है ब्रेक डाउन होना, स्प्लिट होना, दैट मीन्स कि ग्लाइकोजन स्प्लिट हो रहा है, और ग्लाइकोजन स्प्लिट होगा तो अल्टीमेटली क्या बनाएगा, भाई जिनसे मिलके बनाए वही तो बनाएगा ना, तो ग्लूकोज से मिलके बनाता, ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो ग्लाइकोजन जब लिसिस रिएक्शन लाइटिक रिएक्शन करेगा स्प्लिट होगा तो ग्लूकोज बनाएगा। तो ये भी एक तरीका हो गया हमारी बॉडी में ग्लूकोज को
बढ़ाने का या ग्लूकोज बनाने का, डराइव कैसे होगा आपकी बॉडी में। तीसरा तरीका है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो वर्ड का मतलब होता है नया, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, जेनेसिस का मतलब बनना। दैट मीन्स कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो नई नई चीजों से बने, मतलब देखो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो अगर कार्बोहाइड्रेट जब स्प्लिट होंगे, जब ब्रेक डाउन होंगे, डाइजेशन होगा, तो ग्लूकोज सिंपल शुगर में कन्वर्ट होंगे। बट अगर कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई और सोर्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट, अगर कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट जनरेट कर रहा है, बना रहा है ग्लूकोज, तो यानी कि ग्लूकोज बनने का वो नया तरीका हो गया, तो उसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, होप। चलो अब बात करते हैं, ये एक छोटा सा इसको भी हम देख लेते हैं जरा। ये हमने क्या बनाया है भाई, ये हमने एक सिंपल सा ओवरव्यू दिया है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो आपका 70 to 110 रहना चाहिए। आएगा कैसे वो ब्लड में, ग्लाइकोजेनोलिसिस के थ्रू आएगा, डाइट के थ्रू आएगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू आएगा। काम क्या करेगा ये ब्लड में जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज सेल में जाएगा और सेल इसे एब्जॉर्ब करने के बाद इसको यूज करेंगी ऑक्सीडेशन में, और जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्या बनाएंगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी हमारे बॉडी की। तो ऑक्सीडेशन होगा, उस प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं आप, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है ग्लूकोज उसमें। दूसरा क्या कर सकता है, हद से ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि भाई अब पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो आप FD करा लेते हैं ना, तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन ये ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। देखो एक सिंपल सा फंडा है बच्चों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक बात बताओ, अगर आपको स्टोर करना है तो आप कॉइन्स में स्टोर करोगे, 1-1 रुपीज के कॉइन्स में, या सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिनोमिनेशन के जो नोट है उसमें करोगे, क्योंकि वो कम जगह ऑक्यूपाई करेगा ना। तो इन द सेम वे बॉडी भी स्मार्ट है भाई, आप ही स्मार्ट नहीं हो, हमारी बॉडी भी स्मार्ट है। बॉडी क्या करती है, बॉडी सोचती है भाई ग्लूकोज इतने सारे हैं, मैं ग्लूकोज ग्लूकोज को रख रख के, मैं तो, मुझे तो स्टोरेज की जगह ज्यादा चाहिए, मैं क्यों ना ग्लूकोज को कॉम्पैक्ट करके और एक पॉलीमर बना के उसको कॉम्पैक्ट करके रख दूं। तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में पॉलीमर बना देती है ग्लाइकोजन, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में और स्टोर हो जाता है, और ये काम लिवर करता है। देन ग्लूकोज कन्वर्ट भी हो जाता है हमारी बॉडी में और लिपिड्स बना लेता है, ठीक है, फैट बना लेता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है ना कि भाई आप मीठा खाओगे, तो ऐसा नहीं है कि फैट खाने से या फ्राइड खाने से ही आप मोटे होते हो, आप मीठा खाओगे तो उससे भी मोटे होगे। मीठे में क्या है, शुगर है भाई, ज्यादा शुगर हो गई तो शुगर किस में कन्वर्ट हो रही है बॉडी में, लिपिड्स में, लिपोजेनेसिस के थ्रू, जेनेसिस मतलब जनरेट करना, तो लिपिड्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये ब्लड में ग्लूकोज इन तीन तरह के, तीन तरीके से चैनलाइज हो सकता है। लिवर मैक्सिमम 25 to 138 ग्राम ग्लूकोज स्टोर कर सकता है, और पता है ये कितने दिन चल सकता है, ये 3 to 8 hours तक की सप्लाई आपको दे सकता है, अगर आप खाना ना खाएं तो उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर करके आपको एनर्जी दे देगा। चलिए यहां तक का समझ में आ गया, अब बात करते हैं कि आके भाई जो हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये ग्लूकोज ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज को कौन ऐसा है जो इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है, तो इसका कंट्रोल किसके हाथ में है। तो बच्चों पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर हमने जो दे रखा है वो मेन कंट्रोल सेंटर दे रखा है हमने इसका, वो है पैनक्रियास, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है आपका पैनक्रियास, एक ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड होती है ये पैनक्रियास। लेकिन 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को ब्लड में कंट्रोल करने वाला, उसके होमियोस्टेसिस के प्रोसेस को करने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका पैनक्रियास ही है, नहीं, इसके अलावा भी बॉडी में और एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड शामिल हैं, जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कि आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेड्यूला ग्लैंड्स, ठीक है, तो ये भी, इसके अलावा और भी इसमें ग्लैंड्स बॉडी की
शामिल हैं। तो मेन कंट्रोल सेंटर पैनक्रियास की बात करते हैं, तो पैनक्रियास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका, इसमें मेन तो क्या होता है, इस पैनक्रियास में बहुत सारी ऐसे राउंड राउंड सेल्स होती हैं, एसिनर सेल्स कहते हैं इनको, एसिनाई ACINAR एसिनर सेल्स, और ये डक्ट के थ्रू बहुत सारी ऐसे ऐसे ज्वाइन रहती हैं और ये एंजाइम सीक्रेट करती हैं जो कि हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में ये आ जाता है। तो भाई फिर अब ये तो हो गया कि एंजाइम सीक्रेट कर रही है, एंजाइम सीक्रेशन के लिए तो डक्ट है, और डक्ट होती है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो फिर ये एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे हुई, कहाँ से हुई भाई? तो एंडोक्राइन के लिए इनके पास कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं जिन्हें हम, ये इस तरह से कुछ स्पेशलाइज पैचेस होते हैं जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। लैंगरहैंस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, तो उनको ऑनर देने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है मतलब। अच्छा, अब इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन तरह की सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा नहीं कहेंगे, डेल्टा सेल कहेंगे, अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा सेल जो है, और तीनों अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करती हैं। अच्छा, इनके केमिकल सीक्रेशन को हार्मोन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई डक्ट नहीं है ले जाने के लिए, कोई ट्यूब नहीं। आप देखो मैंने सिर्फ ये बनाए हैं, सिर्फ आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस छोटे छोटे बनाए, क्या मैंने इनकी कोई डक्ट बनाई है? नो, मैंने इनकी कोई डक्ट नहीं बनाई, ठीक है। तो इसीलिए इनके जो केमिकल रिलीज होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? हार्मोन कहेंगे। तो पैनक्रियास आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरह का काम करती है, तो इस तरह से इन अ वे इट इज अ हेटरोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, अब क्योंकि हमें तो भाई अब इस पे तो फोकस करना नहीं है कि एसिनर सेल्स क्या बना रही है एंजाइम, हम डाइजेशन तो पढ़ नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे हैं ब्लड ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। तो सारा हमारा फोकस किस पे रहेगा? सारा हमारा फोकस रहेगा कि भाई आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो चलो अब ये देखते हैं कि फटाफट से देख लेते हैं काम कैसे करता है, होता क्या है। देखो, जैसे ही आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाते ही अब खाना खाओगे तो ब्लड में शुगर डेफिनेटली इंक्रीज होगी, ठीक है, डाइजेशन होगा तो भाई ब्लड में शुगर इंक्रीज होगी कि नहीं? ब्लड में शुगर इंक्रीज हुई, डाइजेस्टिव खाना ब्लड में गया, ब्लड ही तो ट्रांसफर करता है ना न्यूट्रिएंट्स को। तो जो बीटा सेल है, कौन सी सेल? जो बीटा सेल हैं उनको फटाफट से सेंस, उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनके जो, वो रिसेंस कर लेती हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो चलो भाई लग जाओ काम पे, लग जाओ। तो वो क्या करती हैं, वो इंसुलिन सीक्रेट करना चालू करती हैं, और डायरेक्टली बिना किसी डक्ट के ब्लड में डाल देंगी, इसीलिए उसे हार्मोन कह रहे हैं ना, डक्टलेस ग्लैंड्स के थ्रू। अब ये जो इंसुलिन है ये ब्लड में जाएगा तो करेगा क्या? तो भाई ये इंसुलिन जब ब्लड में जाएगा तो इसके लिए मोस्टली आपके बॉडी में, ऐसा नहीं है कि सारी जगह रिसेप्टर्स हैं इसको हर जगह वेलकम मिलेगा, रिसेप्शन सेंटर होगा इसके लिए, नहीं जी, इसके इफेक्टर ऑर्गन हैं लीवर एंड मसल, यही रिस्पॉन्ड करेंगे, लीवर एंड मसल, मैंने यह साफ लिखा हुआ है, रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन एंड इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक। और वो क्या करेंगे, वो फटाफट भाई सोते से जगेंगे, चलो भाई काम आ गया, फटाफट से उठो, और वो सेल में, सेल जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं उनको क्या करेंगे, वो सेल को, लिवर और मसल की सेल, वो फटाफट फटाफट ग्लूकोज को लेना चालू कर देंगे, खींचना चालू कर देंगे, कहाँ से? प्लाज्मा से, ब्लड प्लाज्मा से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल डाउन आ जाएगा, तो दैट मींस कि वो क्या करेंगी, ग्लूकोज को अपटेक करने का, लेने के प्रोसेस को फास्ट कर देंगी, और ग्लूकोज को लेती जाएंगी तो प्लाज्मा में से घटता जाएगा, और कुछ ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करके लिवर की सेल ग्लाइकोजन में रख देंगी, बताया था ना अभी अभी मैंने आपको, ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस। अब देखो FD बन गई ग्लूकोज की, तो यानी कि ग्लूकोज की FD बन गई, तो ब्लड में आपका ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो जो नॉर्मल कंडीशन है वो मेंटेन हो गई, तो हो गया ना होमियोस्टेसिस। अब इसकी रिवर्स सिचुएशन भी तो हो सकती है, क्या भाई रिवर्स सिचुएशन? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप फास्टिंग पे हैं और आपकी बॉडी के ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो रहा है, आपको खाने को ही नहीं मिल रहा, तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही है,
तो ऐसी कंडीशन में कैसे भाई ये वाला लेवल मेंटेन होगा? ऐसी कंडीशन में तो 70 से बिलो चला जाएगा ना। ये जो ईटिंग वाली कंडीशन थी ये तो 110 से आगे की कंडीशन थी, 110 से आगे चला जाएगा क्योंकि ग्लूकोज बढ़ गया। अब जब ग्लूकोज कम हो जाए तो ऐसा नहीं हो कि भाई हाइपोग्लिसीमिया हो जाएगा। तो फास्टिंग की कंडीशन में अब की बार जो काम करेंगी वो काम करती हैं अल्फा सेल्स। कौन सी सेल्स काम करेंगी? अल्फा सेल्स। और ये अल्फा सेल डिक्रीज ग्लूकोज के लेवल को पहचानेंगी और सेंस करेंगी, और ये अब की बार इंसुलिन नहीं सिक्रेट करेंगी, ये करेंगी ग्लूकेगॉन ब्लड में। और ग्लूकेगॉन क्या करता है? अगेन इफेक्टर ऑर्गन पे काम करेगा। इफेक्टर ऑर्गन है आपके लीवर एंड मसल। तो लीवर में क्या होगा? दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज की जरूरत है ना, फास्टिंग पे हो तो खाया नहीं है, ग्लूकोज नहीं है तो ब्लड में ग्लूकोज को लाना है। तो नए नए सोर्स से, नियो मतलब नए, अभी अभी बताया था ना मैंने कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर ग्लूकोज बनाया जाए, यानी कि अगर फैट से बनाया जाए या अमाइनो एसिड से, तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बनेगा, ब्लड में आ जाएगा। या फिर जो एफडी करके रखी थी लीवर ने, किडनी ने, ग्लाइकोजेनोलिसिस, तो वो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होना चालू होगा टाइम पे, तो आपको फिर से इंक्रीज हो जाएगा और ये कंडीशन दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी 72/110 वाली। चलो अब हम बात करते हैं कि मैंने जैसे ही आपको यहां पे कहा कि ये जो इफेक्टर मसल है, ठीक है, ये रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो भाई ये यहाँ पे ये रिस्पॉन्ड कैसे कर रही हैं? ये है ना इफेक्टर मसल। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रिस्पॉन्ड, लिखा है कि नहीं? ये रिस्पॉन्ड, ये ही क्यों रिस्पॉन्ड कर रही हैं? इनके पास ऐसा क्या है? तो इनके पास एक सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे आइए, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, आपको पता है ना लिपिड की बाइलेयर होती है और उसमें चैनल्स होते हैं, कुछ पोरिन प्रोटीन्स होते हैं जो चैनल बनाते हैं, इनसे चीजें अंदर आ सकती हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमियबल है, मतलब ये सिलेक्शन करेगी, दिमाग है, नहीं भाई तुम अंदर आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते, तुम्हारे लिए एंट्री है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये रेस्पॉन्ड कैसे करेगी? सिर्फ ये ही क्यों इसको पहचानती हैं? बाकी बॉडी की सेल में आई की सेल क्यों नहीं कर सकती? वो इसके लिए ब्लाइंड है क्योंकि उनके पास रिसेप्टर नहीं है। तो ये जो इंसुलिन है, ये यहाँ पे मैंने ये बनाया है, ये इंसुलिन है, ठीक है, ये आपकी ब्लड में है। अब ये इंसुलिन जो लिवर और मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, ये मैंने यहाँ पे ये रिसेप्टर बना दिया है। आपने एंजाइम की लॉकिन की थ्योरी पढ़ी है ना, बस तो ये वही है। तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स हैं, ये इंसुलिन इस रिसेप्टर से आके कंबाइन हो जाएगा, और जैसे ही इससे कंबाइन होगा यहाँ पे ये चैनल है ना ये ओपन हो जाएंगे, और ये चैनल ओपन हो जाएंगे तो ये ग्लूकोज बाहर की तरफ है, अभी ब्लड प्लाज्मा में है, सेल के बाहर कैपिलरीज में है, ठीक है, तो ये और सेल के अंदर वाला पोर्शन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल के अंदर वाला पोर्शन है। इस सेल के अंदर बहुत सारी वेसाइकल्स होती हैं फ्लूइड फिल्ड, और उन वेसाइकल्स पे ग्लूट चैनल होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसफर वाले, मतलब ग्लूट चैनल, ग्लूट फोर चैनल होते हैं। ये चैनल जैसे ही ये इससे जुड़ता है ये चैनल एक्टिव हो जाते हैं और ये पास आने लग जाती हैं, और ये इसकी तरफ मूवमेंट करेंगी और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये फ्यूज हो जाएंगी, और फ्यूज हो जाएंगी तो एक तरह से एक बिल्कुल गैप बन गया ना, ठीक है, एक नैरो सा पासेज बन गया अब खूब, और यहाँ पे गैप आ गया, तो इस गैप में ये पोर क्रिएट हो गया, तो यहाँ के थ्रू ग्लूकोज जो है वो फटाफट 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 सेल के अंदर एंटर करना चालू हो जाएगा। तो ग्लूकोज अपटेक, सेल के अंदर एंटर मतलब ग्लूकोज अपटेक, यानी कि सेल ग्लूकोज को ले रही है। तो अब समझ में आया आपको कि भाई लीवर एंड मसल की सेल में ऐसा क्या स्पेशल है, ग्लूट फोर और उनके लिए रिसेप्टर्स हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कि वो ही अपटेक कर पाती हैं और फिर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेती हैं। ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली देखो मशीनरी है बॉडी की, हर काम एंजाइम के बिना नहीं होगा, वहां भी ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम होता है इनके पास, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अब होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लड में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल किस तरह मेंटेन किया जाता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज होमियोस्टेसिस किस तरह से काम करता है।